में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शून्य में किसी संख्या के भाग देने पर भागफल सदैव शून्य होता है। अगर किसी संख्या में शून्य में किसी संख्या से अगर शून्य लिखा है, किसी संख्या से यदि हम भाग देंगे तो मेरा भागफल क्या आएगा? शून्य आएगा। क्या आएगा बाबू? शून्य। आप बच्चों आप लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं कि अगर किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो हमारा अगर शून्य में किसी संख्या से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा? शून्य। क्या आएगा? शून्य। उदाहरण हम एक को लेते हैं, उदाहरण नंबर एक देखते हैं। जीरो भागे नौ क्या है? जीरो भागे नौ। अगर जीरो में नौ का भाग करेंगे तो बाहर सुनना का तो नहीं पड़ेंगे, तो वैसे ही नौ शून्य सुनना और भाग भाग मेरा वही आएगा जी। क्या आएगा? शून्य आएगा। तो हम सुनना में नौ का भाग करेंगे, चाहे सुनना में बीस का भाग करेंगे, चाहे किसी भी अंक का भाग करेंगे तो मेरा भागफल क्या आएगा? शून्य। क्लियर हो गया जी। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि यदि शून्य में बारह से भाग देते हैं, शून्य है यदि हम बारह से भाग देंगे तो क्या आएगा बाबू? शून्य। शून्य में बारह शून्य का तो पढ़ नहीं सकते हैं, जीरो और जीरो को शून्य का भागफल शून्य जाएगा है ना जी। भागफल मेरा क्या आएगा? शून्य। आएगा और शेषफल भी मेरा शून्य है। ये बात समझ में आ गई? यही। आगे बढ़े? यही। देखिए दूसरा चीज देखते हैं कि किसी संख्या में, पहला चीज तो मैंने समझ लिया कि शून्य में किसी संख्या से भाग देंगे तो मेरा भागफल क्या आएगा? शून्य आएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। देखिए दूसरा चीज हम समझते हैं, किसी संख्या में से एक से भाग देने पर, एक से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे आठ में एक से भाग करेंगे, क्या करेंगे आठ में एक से भाग करेंगे। अगर मान लो मेरे पास आठ गेंद है, एक ही लोग को दे रहा है तो कितना गेंद मिलेगी? आठ मिलेगी ना जी। तो बस वही चीजें हैं कि किसी संख्या में एक से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण नंबर एक देखते हैं, अगर आठ में एक से भाग देंगे तो मेरा आठ ही आएगा जी, जी। और इसको हम हल करते हैं, लगाते हैं तो आठ भागे एक, एक वाठे आठ, भागफल कितना आया? एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आठ बार में जाएगा जी, जी। तो आठ में आठ घटाएंगे तो कितना आएगा? शून्य। तो मेरा शेषफल कितना आ गया? शून्य। शून्य। और भागफल कितना आया? आठ। और यदि हम इसको जांच करना होता है तो जांच कैसे करेंगे? सेम वही चीजें हैं, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भागफल, भागफल गुणे गुणे भाजक, भाजक और धन और शेष, शेष फल। बात समझ आ गई जी। सदा वही चीज लागू होगी, ठीक है ना बाबू जी। देखिए यही सूत्र है हमारा कि हम इसको जांच कर सकते हैं। सवाल को क्या करेंगे? जांच कर लेंगे, ठीक है। दूसरा चीज तो हमने समझ लिया कि किसी संख्या में एक से अगली भाग देंगे तो वही संख्या हमको मिलेगी, वही मेरा भागफल आ जाएगा। तीसरा चीज देखते हैं गुणधर्म में कि किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव एक ही होता है। जैसे मान लीजिए पांच में पांच का भाग करेंगे तो मेरा उत्तर कितना आएगा? एक।
मेरा भागफल क्या आएगा? पांच का पहाड़ा पांच बार पढ़ेंगे, पांच एकम पांच लाने के लिए तो पांच ऐसा पढ़ेंगे, पांच से अधिक न जा तो पांच एकम पांच पांच दूनी दस अधिक हो जा रहा है ना जी। पांच एकम पांच, एक बार में भागफल मेरा कितना आया? पांच। ए कितना आया? और पांच में से पांच घटाएं कितना जाएगा? अब इसको ऐसे जांच करेंगे तो ऐसे हो जाएगा जी। बात समझ आ गई? फिर से दोबारा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि भाग के गुणधर्म क्या क्या हमने सीखा। कि शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल मेरा सदैव शून्य आएगा। क्या आएगा बाबू? शून्य। और दूसरा हमने देखा कि किसी संख्या में एक से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। तीसरा हमने सीखा किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव एक ही होता है। भागफल क्या होता है? एक ही होता है। जैसे मान लीजिए कि आठ में आठ का भाग देंगे तो मेरा क्या आएगा? एक ही प्राप्त होगा ना जी। पर एक ही प्राप्त होता है यह लिखा हुआ है ठीक है। बात समझ आ गई जी। कि हमको कहां से कहां तक क्या करना है भाग में? हमको घबराना नहीं है। यदि शून्य में भाग देना पड़े तो भी हम दे लेंगे, यदि एक संख्या में एक से भाग देना पड़े किसी संख्या में तो भी हम भाग कर लेंगे, और संख्या में संख्या से भाग देना पड़े तो भी हम भाग करेंगे। समझ आ गई बात जी। इसको अच्छे ढंग से आप को बताया गया, आप समझ लीजिए करके इसी ढंग से आप लगाइए, एक बार लगाइए दो बार लगाइए समझ जाएंगे, बिल्कुल आप सीख जाएंगे, एकदम अच्छे ढंग से सीखेंगे कि हमको शून्य में भाग कैसे करना है, एक में भाग करना कैसे है, सारी प्रक्रिया आपको ये गुरुधर्म के बारे में समझ जाएंगे ठीक है। आज क्लास यहीं तक रहेगी। जय बच्चों। जय बच्चों।